So hi Varun, welcome to our celebrity corner. Yeah. So this is where we interview all the celebs. So we have completed 8 months of your hair transplant. तो दो तीन questions हैं मेरे और ये हमारे viewers के भी questions हैं. पहला, एक लोगों को लग रहा है कि we put a reel recently कि ये photoshop. Photoshop. क्या ये photoshop है? Which is not true. मैंने अपने YouTube चैनल पे खुद से डाला है एंड हमने पूरा वीडियो बनाया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने जहाँ एंटर करा और सर्जरी जहाँ खत्म हुई है. सो इट्स नॉट फोटोशॉप. बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं कि सर आपको कोई फोटोशॉप के यूज़ कर रहा है. मैं क्या नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो उसका डाला हुआ है और ऑलरेडी मेरा मतलब सर्जरी हुआ है. मतलब मैंने इतने सारे इंजेक्शन लगे हैं और उस पर जो आपको दिख भी रहा है ना कि जो स्वेलिंग है, दैट स्वेलिंग वो नॉर्मल होता है. जो आपका हेड आगे से शेव करा है या ट्रिम करा है, उसके बाद एनेस्थीसिया लगा है, तो उसकी स्वेलिंग वो होती है और वो उस टाइम पूरा ग्लोब जैसा सेल हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स इट विल मेक यू लुक डिफरेंट. आप सेम नहीं दिखोगे. वो 3-4 दिन बाद स्वेलिंग सबसाइड होती है, उसके बाद यू कम बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ. तो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि फेस उसमें हर इंसान का डिफरेंट लगेगा जो भी सर्जरी करवाएगा. सो इट्स नॉट फोटोशॉप. मेरा ही सर्जरी हुआ था और अब 8 महीने पूरे हुए. 8 महीने तो एक डिसाइड क्यों किया, यू वर नॉट बॉल्ड, आपके बाल अच्छे थे, ऐसा क्यों लगा कि ट्रांसप्लांट करना चाहिए? वो भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार बाल तो वैसे ही अच्छे दिख रहे हैं, प्रोफाइल पे कभी भी ऐसा दिखाने की बाल उड़ गए या कम है. सो मैं डॉक्टर से मिला था तो उसके 1 साल बाद हमने डिसाइड करा था. ऑलरेडी मेरा PRP सेशन चल रहा था. बट प्रॉब्लम क्या थी, व्हेन आई यूज्ड टू कीप माय हेयर शॉर्ट तो चलता है. जिनकी भी जैसे हेयर थोड़ा कम होता है, हेयर लाइन रिसीव करता है, दे कीप इट शॉर्ट, साइड से वो उसको बस्कट कर लेते हैं और फिर तो उससे कैसे क्रिएट होता है इल्यूजन कि बाल अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बाकी स्पाइक कर सकते हो, पीछे कर सकते हो. बट जब मैंने अपनी लेंथ इंक्रीज करी, बालों की बहुत लंबे करे, तो उससे थिनिंग पता लगती है आपको कि यार ऊपर बहुत हैवी है, साइड से फॉल हल्का आ रहा है, तो उधर से मेरे गैप्स दिख रहे थे. एंड आई विल पुट अ स्क्रीनशॉट इन दिस वीडियो टू, जहाँ पे एक मेरा अभी मैं रिसेंट पिक्चर देख रहा था, आई वाज लुकिंग वेरी डिफरेंट. अभी के मुकाबले बहुत फर्क दिखता है कि यार काफ़ी डीप चला गया था, जो कि जो लोग जब देख रहे थे और आप लोग भी जब मुझे देखते हो एज अ व्यूअर तो आपको लगता होगा नहीं इट्स नॉर्मल, बट मुझे वो थोड़ा बॉदर कर रहा था. तो फिर सडनली वी डिसाइडेड, मतलब मैंने डॉक्टर को आउट ऑफ अ ब्लू सुबह 7 बजे मैं रात को सोच रहा था 3-4 बजे तक करवाऊँ ना कराऊँ. एंड मैंने डॉक्टर को बताया था कि वन ऑफ माई फ्रेंड जो बाहर है इटली में है, उसने सर्जरी अपनी करवाई है. तो मैं क्या पॉसिबल है, इज लाइक यू नो इट्स पॉसिबल, क्योंकि जनरली डॉक्टर सर्जरी करते नहीं है. मतलब मेरे दोस्त भी यहाँ पे आए हैं, मनाई कर देते हैं कि जरूरत नहीं है, PRP करा लो, मेडिकेशन ले लो. तो फिर हमने कहा इज इट पॉसिबल, डॉक्टर ने कहा कि यस इट इज पॉसिबल. मैं कब आऊँ, उन्होंने कहा कि 11 बजे आ जाओ. मेरा 11 बजे बहुत जल्दी है शाम को, तो उन्होंने कहा 4 बजे आ जाओ. तो उसी दिन हम डिसाइड करा और घर पे भी बात नहीं हुई थी. एंड 4 o'clock जाके वी वेंट फॉर अ सर्जरी और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सेटिस्फाइंग हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. आप लोग भी बहुत तारीफ करो कि हेयर स्टाइल भी अच्छा लगा और मतलब आपका फेस भी चेंज हो जाता है उसके साथ साथ ना, हेयर लाइन के साथ बहुत फर्क पड़ता है, एज आपकी कम लगने लग जाती है. तो रिजल्ट बहुत अच्छा है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट से. अभी अभी आपका जो पुराना वीडियो हमने सर्जरी के दिन लिखा था वो भी देखेंगे. हाँ, तो उस समय अगर देखते हैं तो लगता है हमारा ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट अब जब साथ साथ खड़े होकर देखेंगे, देन वी विल अप्रिशिएट द डिफरेंस कि वो जो थोड़ा सा ट्रांसप्लांट हुआ उससे कितना डिफरेंस. बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि यार मेरा तो फील्ड ही हुआ है ना, इट्स माय लाइन. मुझे बताया कि एक एक पिक्चर फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल, आप साइड एंगल से ले रहे हो, किस एंगल से ले रहे हो, तो बहुत चीज़ें मैटर कर जाती है. एंड आई नो जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं उनका क्या होता है कि पूरा ही जब चला जाता है तो वैसे इतने परेशान होते हैं, तो उनको लगता है कितना भी हुआ तो बहुत है. और उसमें फ्रेंड हेमंत, उसका भी सर्जरी हुआ है, तो इस लाइक यार जितना वरुण भी अगर पहले था ना वैसे ही कर दो तो मैं उसमें खुश हूँ, विच इज़ ट्रू. वो लोग को लगेगा यार इतना भी बाल आ जाए, बट ऑफकोर्स मेरा प्रोफेशन ऐसा है तो उसमें करवाना पड़ता है. बाहर बहुत सारे सेलेब हैं, रोनाल्डो है, इन लोगों ने अपनी हेयरलाइन बनवाई हुई है, तो बाहर बहुत नॉर्मल है, अब इंडिया में नॉर्मल हो रहा है, बहुत लोगों ने आके सर्जरी करवाई और अप्रिशिएट करा उस चीज़ को. सो अभी वीडियो भी देखेंगे तो उसके अंदर डिफरेंस पता चलेगा और फिर बताएंगे कि हमने कितना ग्लास लगाया और किस तरह से उसकी प्लानिंग होगी. तो दिस इज द वीडियो जो हमने उस दिन शूट किया था ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर, डे ऑफ द सर्जरी. सो बाल देखा जाए तो ठीक है, बट अब एक कवर वो आ रहा है कि देयर इज दैट है, ये जो डीप पिंपल्स है ना, वो भी बता रहा हूं, तो लॉन्ग हेयर है, ये पीछे जा रहा है सारा, तो यू कैन इजीली सी कि ये बहुत हैवी है और इधर से डेंसिटी बहुत कम है, तो बहुत बेबी हेयर टाइप से वो कवर होके जा रहा है. क्योंकि मैं आई वाज डूइंग अ स्लिक बैक तो सब हेयर पीछे जा रहा था, तो उस टाइम ये प्रोमिनेंट था. अगर मैं कोई और पिक्चर दिखाऊं इसके अंदर, मैं ये फेड कर दूं यहां तक पूरा, तो फिर ये हैवी है तो इतना पता नहीं चलेगा और लगेगा जैसे अपनी खान का भी डीप हेयर लाइन है, इट विल लुक लाइक दैट. बट फिर एक यही प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं जो हेयर स्टाइल मुझे चाहिए मैं वो सारे नहीं कर पा रहा था, कुछ स्पेसिफिक फंस गया था कि शॉर्ट ही रखना पड़ेगा, साइड से फेड करना पड़ेगा, तो वो एक प्रॉब्लम था. जैसे अभी मैंने बढ़ाया हुआ है साइड से लेंथ, तो ये इस रीजन की वजह से सर्जरी हम लोगों ने, तो हमने जब डिसाइड किया था कि बस इधर साइड्स में करेंगे, बट देन ऑन द डे वी डिसाइडेड कि यहाँ पे भी थिनिंग है, नाउ दैट वी आर डूइंग
क्यों ना इसको भी फिल करके सो दैट द फ्रंट स्पाइक looks like perfect. So initially we decided that we'll fill these areas, बस टेम्पल को फिल करेंगे और हेयरलाइन को वैसे छोड़ देंगे. But फिर I asked डॉक्टर ने ज्यादा कि डॉग यहाँ पे भी थोड़ी थिनिंग है, मैंने कहा है तो थिनिंग चेक करने से, मैंने कहा कि थोड़ा बहुत हम इसको भी कर सकते हैं. सो फिर हमने ट्रिम ये हल्का बहुत करा, थोड़ा सा आगे से भी हमें इतना इतना ट्रिम करना पड़ा, एंड देन वी प्लेस्ड ग्राफ्ट इधर और टेम्पल एरिया में. तो वो सर्जरी और 4 घंटे करीब वो सर्जरी प्रोसीजर चला रहा. सो दिस इज द टाइमलाइन, द एंटायर टाइमलाइन. तो ये था जिस दिन यू केम फॉर द बैंडेज रिमूवल, तो यहाँ पे ये जो स्वेलिंग है द साइड्स पे जो थोड़ी स्वेलिंग है इसकी वजह से लोग लग रहा है कि क्या फोटोशॉप. सो बेसिकली दिस ये सारा एरिया क्या था, ये नॉचेस फिल की हमने, दिस इज लाइक इमीडिएटली आफ्टर योर ट्रांसप्लांट, ये वाला दिस रेड एरिया इज द ग्राफ्टेड एरिया, फिर ये डोनर एरिया हीलिंग है. दिस फोटो वाज टेकन 2 months बैक, सो 6 months आफ्टर योर ट्रांसप्लांट. सो अब ये एंड देन वरुण हमारे सामने है. अब यहाँ पे तो कोई तो ये जो स्वेलिंग भी है ना, तो स्टार्टिंग में यहाँ बैंडेज होता है, आप देख रहे हो बैंडेज का मार्क है. तो ये सब जो एनेस्थीसिया का जो लिक्विड होता है, मतलब आई मीन लेमन ही लिक्विड जो भी लिक्विड सलाइन, यस सलाइन जो भी सलाइन लिक्विड है वो यहाँ पे था. स्लोली जैसे ही हमने वो बैंडेज रिमूव करा ना, इट सबसाइड्स, तो वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है. और ये जब ग्राफ्ट की जो प्लेसमेंट है, ये सब ग्राफ्ट लगे हुए हैं. अब क्योंकि हमने ट्रिम करा था, इसके अंदर शायद मेरे थोड़े नेचुरल हेयर भी होंगे, तो मोटे मोटे दिख रहे हैं. बाकी ग्राफ में मिक्स करके डाला, तो हेयर लाइन के अंदर ये पूरा जो बैंड ये फॉर्म हुआ. और ये टोनर एरिया था थोड़ा सा, इसमें 1-2 दिन का मुझे आपको फील होता है कि प्रिक फील होता है, पिंस एंड नीडल्स फील होता है. 2 या 3 दिन बाद वो भी चला गया था, और 10 दिन बाद मैंने हेयर कट करा लिया था, जिसके अंदर साइड से मैंने पूरा वापस से बस कट करा था, और पीछे से भी मैंने पूरा कर लिया था बस कट और ट्रिम करवा के ना फेड करवाया था. अच्छा खासा गॉट अ नाइस फेड, 0.5 का फेड कराया था, और ऊपर से आई केप्ट इट शॉर्ट. और मैं शूट करने लगा था यार, शायद फ्राइडे को हमारा सर्जरी हुआ था, और ट्यूजडे को मतलब जैसे ही मेरा हेड वॉश हुआ मैंने हैट पहन के शूट भी करा, शूट भी करा था ऑलरेडी. 4-5 days फोर्थ डे पे ही मैंने शूट करा था, और 10th day पे मेरा ऑफिशियल शूट भी था, जो बड़ा लेवल का शूट था, जिसके अंदर हेयर आगे मैंने थोड़ा सेट कर लिया था, वो कवर अप हो गया था, तो इतना कोई इशू नहीं था. और 6 months बाद ही आ गया, और गुड पार्ट इज मेरी शेडिंग भी नहीं हुई, बहुत कम शेडिंग हुई हमारी, मेरी शेडिंग मुझे तो दिखाई नहीं कभी हुई है कि बाल टूट गया हो, बट कुछ गिरा हो तो आई डोंट नो, बट मुझे नहीं लगा कि शेडिंग थोड़ी भी हुई है. और रिजल्ट बहुत अच्छा है, और अब तो इस कवर अप हो गया है, और अब हेयर स्टाइल चेंज कर लेता हूँ मैं अभी तो. लेंथ दोबारा मैंने शॉर्ट करी थी, बट कुछ प्रोजेक्ट था, अगेन लेंथ इंक्रीज करूंगा, तो अब क्योंकि टेम्पल्स काफी फिल्ड अप हैं, इट लुक्स नाइस, और आपकी एज भी काफी कम लगती है, आप यू लुक यंगर. जैसे टेम्पल्स रिसीव करते हैं तो वो थोड़ा एज आप पे ज्यादा लगने लग जाता है, इट मेक्स यू लुक मैच्योर, बट वो ये कवर अप से फेस का थोड़ा स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है. वो टेम्पल्स जो मिले टेम्पल्स हां, तो नॉट जस्ट यहां पे नॉचेस, नो वी डिड सम वर्क ऑन द टेम्पल्स, जिसकी वजह से भी ओवरऑल फोरहेड फेशियल स्ट्रक्चर चेंज है. मतलब पीपल आर सेइंग कि मतलब मुंबई में जो मुझे बहुत टाइम बाद देख रहे हो, कह रहे हैं कुछ चेंज है, उनको पता नहीं चेंज क्या है, बट कह रहे कुछ फेस में भी चेंज दिख रहा है, पिक्चर्स डिफरेंट आ रहे हैं. तो जो लोग बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं उनको पता लगता है, जब आपको लगता है कि कुछ भी आपका हिंड्रेंस आ रहा है आपके करियर में या आपके कॉन्फिडेंस में, गो फॉर इट, इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर. और कोई सर्जरी पता नहीं इसको क्यों बोलते हैं, पीछे ये कवर भी हो गया, डोनर लिखता भी नहीं है कुछ. और मेरा जो सलोमे है वो भी ही रियली अप्रिशिएट्स कि बाल अच्छे लग रहे हैं. सो डॉक्टर तो मेडिशन है ही, थैंक यू सो मच. मैं बोलता हूँ कि ही इज द बेस्ट वन इन दिल्ली, दिल्ली में इनसे अच्छा कोई नहीं है. अब मेरे फ्रेंड्स भी करवा रहे हैं, हेमंत अभी एक फ्रेंड का सर्जरी हुआ, फिर जीजू को भी सर्जरी करवाना है, तो मेरे जो क्लोज वन एंड डियर वंस है ना उनको भी यहीं भेजना सजेस्ट करेंगे, एंड दे कम एंड मीट हिम, और वो गाइडेंस भी अच्छी देते हैं हमेशा उनको. तो सबको इतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अगर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही है, बट एक डॉक्टर के एक पॉजिटिव ऑरा जो होता है ना उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि प्रोसीजर का करवा लो. सो वो डॉक्टर की खास बात है और उनका प्लस पॉइंट है. गुड, हेयर तो हो गया. हाँ. अब मेरा फिजिक, फिजिक से मैंने बोला कि सैटरडे आई कॉल्ड हिम कि मेरे जिम में आओ सैटरडे को या संडे को, क्योंकि कुछ टाइम बाद मुंबई चला जाऊँगा, आई एम हेयर फॉर 2-3 मंथ्स, तो उस टाइम कैपिटलाइज करते हैं डॉक्टर की फिजिक इम्प्रूव करते हैं. तो अभी
दिमाग से तो वो है टॉप लेवल पर, फिजिक से भी फिजिक को बढ़िया करते हैं, फॉर श्योर। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर एवरीथिंग यू हैव डन, इट मेड एन इंपैक्ट और बहुत कुछ चेंज हुआ है, आई एम रियली हैप्पी। वेल आई एम सो हैप्पी दैट इट मेड सम डिफरेंस। या थैंक यू, थैंक यू।